बाजवा ने की भगवत मान की हिटलर से तुलना। पंजाब कांग्रेस में होने वाली है बड़ी बगावत। मुंबई बैठक से बढ़ी इंडिया की टेंशन। इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार, कांग्रेस नेता केजरीवाल को देखना तक नहीं चाहते। गठबंधन में केजरीवाल कई कांग्रेस नेताओं को मंजूर नहीं, कांग्रेस के लिए इसे आत्मघाती बता रहे। कांग्रेस में एक के बाद एक नेता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे। उनका कहना है अगर केजरीवाल से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अब तो पंजाब के मुख्यमंत्री की तुलना हिटलर से कर दी। पूरी कहानी क्या आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मामला क्या है, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में मतभेद अब साफ हो गए। राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया वो आम आदमी पार्टी के साथ काम करने को इच्छुक नहीं जो वर्तमान में राज्य पर शासन कर रही है। राज्य इकाई के कुछ नेता इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराना महत्वपूर्ण है और पंजाब कांग्रेस नेतृत्व अदूरदर्शी नहीं हो सकता। गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में विपक्षी नेता कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कांग्रेस के लोग, ये जो नई जमात आई है इनका चेहरा देखने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा जैसे बिना मर्जी की दोस्ती जो होती है, बिना मर्जी की शादी जब आप करवाते हो तो वो शादी दोनों परिवारों को नुकसान देती है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब विरोधी लोगों के साथ कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं रखना चाहते। भगवत मान की तुलना कर दी एडोल्फ हिटलर से। बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की तुलना एडोल्फ हिटलर से की और कहा मान और आप नेतृत्व पर उन जातियों के लिए विशेष मुकदमा चलाया जाएगा जो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में आएगी हम दिमकों को खत्म करने की व्यवस्था करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने मंच पर मौजूद यूथ कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी से इस बात दृष्टिकोण को आलाकमान तक पहुंचाने का अनुरोध किया। यह दूसरी बार है जब पंजाब कांग्रेस नेता ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन का विरोध किया। जून में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के बारे में बातचीत शुरू होने के तुरंत बाद बाजवा ने अपनी आपत्तियों व्यक्त करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने गठबंधन के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा था। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने लीड हुए, पहले मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ और अब बिहार में भी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा इंडिया गठबंधन को ना लीड हुए। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने दैनिक एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने राज्य इकाइयों के विचारों से आलाकमान को अवगत कराया था और उम्मीद थी कि पार्टी आलाकमान पर विचार करेगा। पार्टी नेता इस बात से सहमत हैं कि पंजाब में आपके साथ साझेदारी से कई समस्याएं पैदा होंगी, हम खत्म हो जाएंगे और बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा अगर गठबंधन होता है तो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कराना मुश्किल होगा। आप कैडर का एक हिस्सा अपनी जड़ें कांग्रेस से जोड़ता है, वहीं कांग्रेस अपने वोट बरकरार रखना चाहेगी। हम गठबंधन में पार्टी के लिए काम करने के बजाय राज्य में सत्तारूढ़ सरकार बनना पसंद करेंगे। हम खत्म हो जाएंगे और बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। कांग्रेस के भुलात विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने कहा पंजाब में गठबंधन का ज्यादा महत्व नहीं होगा जहां भाजपा प्रासंगिक है। इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए है लेकिन पंजाब में बीजेपी कैडर अप्रासंगिक है। बीजेपी यहां एक सीट भी नहीं जीत सकती, इसलिए गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं है। इस राज्य में इंडिया के लिए खतरा कहाँ है।